YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जिसके बारे में मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या ये सब चीज होती है और कैसे ये सब चीज काम करती है। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वीडियोस केवल देखने हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा इस सीरीज में, उसको समझिए। देखिए, ये जो अपोलो नहीं गुजरात गैस है, ये गुजरात गैस बहुत सारा अपोलो का भी बताऊंगा। मैंने आपके साथ क्या इसमें एनालिसिस शेयर किया था कि देखिए आपको इस चीज़ को क्यों समझना चाहिए। ये देखिए, एक ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट किया, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जब यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर भी मैंने आपके साथ एंट्री डिस्कस किया, और नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर बन रहा है, हमारा यहाँ पर बन रहा है। और आप चैनल पर जाकर चेक कीजिए, यहाँ पर भी मैंने आपके साथ वही एंट्री शेयर किया कि क्या हो सकता है यहाँ पर, कि यहाँ पर नीचे आया है, यहाँ पे जैसे एक ग्रीन कैंडल मिलेगा हम यहाँ से बाइंग का एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। देखिए, ग्रीन कैंडल का यहाँ पे लो यहाँ पे ये है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको रिस्क छोटा रखना है तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है, इसका लो का स्टॉप लॉस और मिनिमम टारगेट ये प्रीवियस हाई, उसके बाद फिर एक नया टारगेट भी ओपन होता है, उसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो कोई भी स्टॉक में इसी टाइप से होता है, फिर कोई भी चार्ट में, कि आपको उसको समझना है, और उसी के लिए मैंने ट्रेनिंग का सीरीज स्टार्ट किया है। समझ गया? इसके लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, रिलायंस भी आपके साथ शेयर किया था, वो पिछला वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अपोलो टायर्स में भी मैंने आपके साथ ये चीज शेयर किया था कि क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे निफ्टी का ये है, इसके अलावा एक्सिस बैंक भी आपके साथ शेयर किया था। देखिए, एक्सिस बैंक में क्या मैंने एक्सप्लेनेशन शेयर किया था, देखिए सब कुछ ड्रॉ किया हुआ रहता है लाइन कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। अब आपको क्या चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ से, मैंने बताया यहाँ से मार्केट भागना चाहिए, ऐसा देखिए दोस्तों अगर होता तो मार्केट में बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। आपको डेली ऑप्शंस आपको चार गुना पांच गुना होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई स्टॉक मार्केट में ऐसा आदमी है जो कि सारे कैप्चर कर पाता है? वो सब चीजें बकवास होती है। सब चीज पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअल आपने व्यू बनाया कुछ भी, उस व्यू के अकॉर्डिंग आपका मार्केट चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कैसे आप उसको ट्रेड या इन्वेस्ट करने पा रहे हैं, और क्या उसमें स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप 10,000-20,000 छोटा अमाउंट से पैसे नहीं बना सकते हैं। अमाउंट थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी होगा, पैसे बनेंगे। नहीं तो अगर आप छोटे छोटे अमाउंट से करते रहेंगे तो आपको रिस्क बढ़ते रहेंगे और आपको उसमें प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखते हुए अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट काफी आसान होता है। आप समझिए, यहाँ पे जो एक्सिस बैंक है, ये वाला लाइन को मैंने ड्रॉ करके आपके साथ शेयर किया था कि एक लक्ष्मण रेखा, अगर जब जैसे इसके ऊपर निकलेगा, मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि आने वाले में अच्छे परफॉर्म करेंगे, जैसे ये यहाँ पे परफॉर्म किया ना, तो इस टाइप के यहाँ पे जो स्टॉक है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो आने वाले दिनों में इस टाइप का मूवमेंट कैसे दे सकते हैं, तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो हो गया उसको समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये सब चीजें कैसे काम करती है। अब यहाँ पे देखिए, जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखें कि यहाँ पे देखिए, एक अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया, चौथा अटेम्प्ट किया, पांचवा अटेम्प्ट किया, पांच बार अटेम्प्ट कर चुका है, वापस से यहाँ पे आया। तो अगर अब यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करता है तो एक ऊपर का टारगेट मिलेगा, इजीली मिल गया। ये मैंने आपके साथ एक्सिस बैंक मल्टीपल टाइम शेयर किया है, 700-800 लेवल से शेयर करते रहा हूँ। लूपिन भी मैंने शेयर किया था, ये भी बोला था कि 2000 तो पक्का जाएगा, और देखिए 2000 के आसपास पहुंचने वाला, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, टाटा केमिकल्स में क्या हुआ है, टाटा केमिकल्स मैंने पहले ही आपके साथ कई बार पहले ही शेयर किया है। देखिए इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, बार बार यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है, एक बार देखिए इसने एक मूवमेंट भी दिया, तो एक बार कभी ऐसा भी होगा कि फिर से एक मूवमेंट दे देगा। तो देखिए, अभी आप तुरंत इसमें खरीद के सोचेंगे कल ही प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें आप इन्वेस्टेड रहेंगे, इसमें आप अपना स्ट्रेटेजी लगा कर रहेंगे, आज निकल आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा ही। टाइम से मार्केट को बांध के रखिएगा तो प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम रहते हैं। टाइम से कब बांधा जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेनिंग सीरीज में, कि कब बांधा जाता है, कैसे प्लान किया जाता है, कैसा ट्रेंड होता है तो किया जाता है, उसको भी समझाऊंगा मैं। गुजरात गैस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। एशियन पेंट देखिए, यही पे देखिए, एशियन पेंट में देखिए एक फ्रेश, एक यहाँ पे देखिए एशियन पेंट क्या है कि एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है। नीचे कितना भी गिरेगा तो उसमें ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत होती है जब स्ट्रक्चर फेल हो जाए तो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एशियन पेंट को अगर आप देखेंगे कि इसमें कोई अच्छा स्ट्रक्चर हमें समझ में आ रहा है कि कुछ हो सकता है, इसको समझिए क्या हो सकता है इसमें, इसको समझिएगा एक बार। एक दो और स्टॉक्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एशियन पेंट्स तो ऐसे ही सामने आ गया, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। देखिए ये है, क्या है कि इस टाइप से ऊपर गया, यहाँ पे एक हाई लगाया, ये काफी लंबा कंसोलिडेशन में चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ नीचे आया, फिर से इस हाई को टेस्ट किया, ये जो है इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। ये है आपका क्या,
ये आपका 3500 का लेवल है, ठीक है, 3400-3500 का ये लेवल है। यहाँ पर दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर से प्राइस नीचे आया 2600 आसपास में, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, इस टाइप से कई बार यहाँ पे रेंज बना चुका है। तो इसी को बोला जाता है क्लियर कट रेंज। इस रेंज को ट्रेड करने का तरीका है कि जैसे ही टॉप पे है आपको सेलिंग के मौके देखने हैं, जैसे ही बॉटम पे है आपको बाइंग के मौके देखने हैं। जैसे बॉटम पे यहाँ पे देखिए है, पहले आपको यहाँ पे ये सब बॉटम कंफर्म हो चुका है कि इस आसपास में ये बॉटम बना रहा है। यहाँ पे आया, आपको यहाँ पे एक बॉटम बनाया, ऊपर गया, अच्छा आपको टारगेट मिल गया, फिर से नीचे आ गया। ये वाला मूव शायद आप नहीं पकड़ पाए, कोई जरूरी नहीं, सारा मूवमेंट नहीं पकड़ा जाता है। फिर से वापस देखिए, यहाँ पे देखिए फिर से एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, RSI में भी देखिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट से निकल रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क रख सकते हैं कि ये वाला लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो हम क्वांटिटी को उतना अग्रेसिव नहीं करेंगे, इसमें से ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन अग्रेसिव थोड़ा सा कम कर देंगे। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो इसमें से हम बड़ी जो लॉन्ग टर्म पोजिशन है उसको हम एग्जिट कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा वो इशू नहीं है। लेकिन जब तक ये यहाँ से इस टाइप से आपका है, तो यहाँ से ये बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वापस आपको इस ये सब लेवल तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके भी इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा। इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ तक जाने के इसमें चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है, आपको चांसेस पे काम करने होते हैं। देखिए TCS हो गया, ये TCS का जो चार्ट है, इस चार्ट को भी समझिए, ये वीकली चार्ट है आपका। देखिए इसको आप एक बार डेली चार्ट कीजिए। देखिए डेली चार्ट में आपको क्या है कि TCS को, इन्फोसिस को मैंने आपके साथ क्या शेयर किया कि सारे IT स्टॉक्स में अब एक अच्छा मूवमेंट के लिए तैयार है। TCS में देखिए क्यों ये मूवमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्या ऊपर से मुझे कोई मैसेज आया था? जी नहीं, हमें इस चार्ट में समझ में आता है कि क्या करना है। देखिए ये जो है चार्ट स्ट्रक्चर, इस चार्ट स्ट्रक्चर को भी बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये जो है एक क्लियर कट आपका एक यहाँ पे ये जो है इस टाइप का ट्रेंड लाइन था जिसको ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो जैसे इसको निकला, देखिए यहाँ तक का मोमेंट आ गया, टारगेट यहाँ तक का है, हो सकता है धीरे धीरे करके आ जाए, फिर डिप दे के एक एवरेज के पास करके आए, तो ये स्लोली स्लोली करके जा रहा है। देखिए बड़े स्टॉक्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें देखिए लिवरेज पोजीशन भी बनाई जा सकती है और उसको आपको प्लान के साथ रखना चाहिए। प्लान के साथ रखेंगे लिवरेज पोजीशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसको आप उतना टेंशन मत लेके किया कीजिए। अब ये देखिए एक ये है केल्टन टेक्नोलॉजीज, इसको मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें इसका एक बार वीकली चार्ट आप समझिए। देखिए AI से रिलेटेड ये कंपनी है और इसका जो स्टॉक का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का आप समझिएगा थोड़ा सा। ये आपका वीकली मंथली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं इतना लॉन्ग टर्म चार्ट में इसने काफ़ी दिनों से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया है। 2017 से ये देखिए 2024 आ गया, यानी कि 7-8 साल होने वाला है। स्टॉक देखिए यहीं पर है और इस टाइप से ये बढ़ा रहा है। अगर ये निकलेगा तो ये 2-3 साल में ये जो है ना ये 1000 का लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मल्टी बैगर होने के चांसेस है। देखिए डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको एक लर्निंग पर्पज से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट कैसे काम करता है। और इसका एक पूरा ट्रेनिंग का सीरीज आपके साथ यहाँ पे मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे देखिए इसका एक प्रीवियस हाई था मंथली चार्ट में, फिर से इस हाई के पास आया, फिर से इस हाई के पास आया, फिर से इस हाई के पास आया। यहाँ पे लगभग 4-5 बार अटेम्प्ट कर चुका है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो क्या हुआ कि यहाँ से एक नीचे गया, उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर आया, फिर से यहाँ पे देखिए अब नीचे जाने में इसको हो रहा है प्रॉब्लम, है नीचे नहीं जाना चाह रहा है। अगर ये ऊपर निकलता है तो एक बड़े टारगेट के इसलिए हम ध्यान में रख सकते हैं। बड़े टारगेट को ट्रेड या इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है जो कि मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। डेली आपने मंथली चार्ट में देख लिया, इसको आप डेली चार्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। देखिए डेली चार्ट में क्या है, जब जब भी यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है बाइंग बन रहा है, जब भी इसका देखिए ना, जब भी इसका सपोर्ट पे आ रहा है बाइंग बन जा रहा है। ये सब पूरा लेवल पर अगर आपने एक्युमुलेशन किया फिर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट अभी तक मिल गया, इस टाइप से होते ही रहता है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा की मैं बात करूं, आपके साथ बहुत बार शेयर किया, कई बार क्या हुआ कि आपने बोला कि देखिए स्टॉक तो बढ़ ही नहीं रहा है। देखिए स्टॉक बढ़ता है ना, मैंने देखिए यहाँ पे भी आपके साथ शेयर किया। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ यहाँ पे भी शेयर किया था, ये सब लेवल पे भी शेयर किया था, हर एक लेवल पे आपके साथ शेयर किया। देखिए क्या होता है कि कई बार इन्वेस्टमेंट में आपको जो नीचे का लेवल है वो देखने के लिए मिलता है, तो नीचे क्या होता है
अगर कोई स्ट्रोंग स्टॉक को हमने पकड़ा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, तो अगर वो छोटे टाइम फ्रेम में अगर वो नीचे गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गिरने देंगे। अगर हमारा प्लान है कि उसमें एवरेज कहाँ पे करना है तो करेंगे, नहीं तो जो आपने पकड़ लिया ना, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक होते हैं कि 100 वाला स्टॉक आपका 40-50 आ जाएगा और फिर वो 500 हो जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग का एक अलग तरीका होता है, वो भी मैं आपको लर्निंग में सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग का क्या तरीका होता है। इन्वेस्टमेंट करना है आपको, अगर 1 साल 2 महीने 2 साल का व्यू अगर आपका रख रहे हैं, तो अगर आप 2-4-5 महीने अगर आपको कंसोलिडेशन में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो आपको एक छोटे से टाइम फ्रेम में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा उसके लिए निश्चित रहिए। क्योंकि देखिए ना, ये इस मोमेंट को आप देखिए, इस मोमेंट में क्या जबरदस्त आपका लगातार मार्केट बढ़े जा रहा है। आपको क्या चाहिए? इस टाइप का मोमेंट ही आपको चाहिए ना, इस टाइप का मोमेंट आपको मिला ना। इसी टाइप से अगर आप देखेंगे लुपिन में, एक बार मैं लुपिन का चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लुपिन लिख ले रहे हैं, लुपिन का चार्ट आपका, ये लुपिन क्यों ऐसा ग्लेयर मार्क के साथ यहाँ पर बजा रहा है। लुपिन का चार्ट मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया था। बहुत सारे स्टॉक्स देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर उस टाइप से दिखाई देता है। देखिए लुपिन भी इसी टाइप से बढ़ा है, आप देख रहे हैं, ये जो था ये 500-600 का लेवल आ गया था, और अभी क्या आ गया है, ये 1700-1800 का लेवल आ गया है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी पहले बताया था कि ये 2000 जरूर जाएगा, आज ना कल जाएगा, नीचे जब भी मिलेगा ऐड करेंगे, सिंपल है। तो यही चीज़ को आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए मार्केट है, आपको मार्केट को समझना है। अब इस चीज़ को समझिए, HDFC बैंक मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम शेयर किया है कि ये क्या एक रेंज में है, नीचे आता है कोई भी बैड न्यूज़ के चलते, देखिए जैसे उसमें भी था ना, एशियन पेंट में था, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ था, यहाँ पे देखिए HDFC बैंक में स्ट्रक्चर बना, धीरे धीरे करके ऊपर आया, जैसे एक टॉप पे आया, देखिए यहाँ पे सेलिंग का भी समझिए। इसको ही मैं सिखाऊंगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट लेवल पे कैसे सेलिंग काम करता है, ये देखिए, ये जो है टॉप पे, यहाँ पे आपको 2 रेड कैंडल मिला, उसके बाद आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि उसके बाद क्या है, टॉप एक तो आपका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया आ गया जो कि बार बार यहाँ से घूमता है, और इस टाइप का कैंडल बना, आप चाहे तो सेल भी कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। इसको मैं सेलिंग का एक परफेक्ट सेटअप वही बताऊंगा कि कैसे इसमें परफेक्ट सेलिंग किया जाता है। और यहाँ से देखिए डायरेक्ट गैप डाउन खुला, एक जैकपॉट मूवमेंट नीचे का भी मिल गया। अब यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ पे कोई अगर सेलिंग का और स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें, लेकिन हम इसमें अभी बाइंग में नहीं रहेंगे। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा एक स्टॉक है अभी अपोलो हॉस्पिटल, जो कि फ्रेश बाइंग का कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, एक अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट इस टाइप से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो बाय और डिप्स की रणनीति इसमें काम करेगा। ऊपर का मिनिमम टारगेट देखिए, ये प्रीवियस हाई है जो कि 6800 आसपास का है, तो यहाँ से आपका 400-500 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। इसके अलावा अगर नीचे और मिलता है तो और भी अच्छा होगा, और ऊपर की तरफ इसको भी निकालेगा तो और अच्छा मूवमेंट देगा। तो मिनिमम टारगेट ये वाला लेवल के लिए इसमें आराम से इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट का प्लान किया जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं बात करूँ स्कॉट्स का, तो स्कॉट्स का एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा। देखिए ये देखिए इसका शानदार स्ट्रक्चर देखिए ना, ये नीचे का लेवल 2600 आया और वापस ये आपका 4300 आ गया, और ये काफ़ी शानदार लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूँ, ये देखिए हमारा लॉन्ग टर्म काफ़ी शानदार स्टॉक है। और बार बार देखिए क्या करता है, ये देखिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर को बनाते हुए जा रहा है, और एक खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर को जब तक फॉलो करता है, देखिए जैसे इस रेजिस्टेंस पर आप नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे जब भी मिलेगा ये सब लेवल पर मिलेगा, फिर से हम बाइंग का प्लान करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना चाहिए, तो प्रॉफिट बुकिंग का जोन ये सब होता है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक सीधे सीधे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये सब जोन पे मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स ऐड करने के लिए बोला था, 3000 के लेवल के आसपास में, 3000 के लेवल के आसपास में बाइंग हुआ, 4100 आसपास में, 4000 आसपास में, यहाँ पे अगर हम कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर नीचे मिलेगा फिर ऐड करने का प्लान करेंगे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टॉक्स में होते हैं, और ये सब पूरा मैं सिखाऊंगा ट्रेनिंग के वीडियोस में, तो ट्रेनिंग का सारा वीडियो अटेंड जरूर कीजिए।